इंडिया में हमारे टाइम पे तो भाई थप्पड़ मार दिया करते थे। अब चाय डालते हुए मैगी कहाँ से आ गई? धीरे धीरे कपड़े उतरने वाला मौसम है, नंगे घूमेंगे भाई। यहाँ पे ओरियो के बच्चे भी मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पे मारा हुआ है। अरे अरे लड़का कितना खुश है ये भाई देखो, यहाँ का स्कूल है कितना सुंदर लग रहा है भाई। किसी पेशेंट के पास आर्म था, वो मतलब उसके पास एक वेपन था भाई। देखो ये इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी। तो गाइस ये देखो मेरी गाड़ी का फैन ऑन है। बाढ़ में गई भाई सुशी, मैं भिंडी खाऊंगा। भाई सुबह के 8 बज रहे हैं, घड़ी वड़ी नहीं पहनी, छोड़ो। थोड़ी सी ये भी गंदी है, इसको भी छोड़ो। चाय, चीनी और अदरक डाल दी मैंने, ठीक है। फिर भाई साहब रियलाइज होता है कि वो ही नहीं है, दूध। दूध फिनिश, दूध दूध ले आना। ओए ओए केंदो, दूध ले आना जाके। ओ भाई उधर नहीं है, भाई साहब दूध ले आओ ना जाके। किस काम के हो? एक मैंने रील देखी थी, उसमें कुत्ता सिगरेट लेके आ रहा था, कोक लेके आ रहा था, वो मंगा रहा था सिगरेट, लिया वो ले आता पूरी डब्बी, समझ रहा है? सुन ना, एक्साइटेड मत, तेरे को नहीं पीनी, हम नहीं पीते। गुड बॉयज है नाम, है ना? गुड बॉयज है ना केंद्र? नहीं है भाई, ये बदमाश है। तो सिगरेट लेके आया था वो कोक लेकर आया। अरे भाई मेरे को भाई सुबह सुबह एक चीज चाहिए होती है, चाय। भाई मैं उठ तो सुबह 7 बजे गया था, ठीक है, पर थोड़ा लगता है ना स्लो मोशन में काम होता है, थोड़ा स्लो मोशन में काम होता है ना, कि धीरे धीरे कर रहे हैं हर चीज। थोड़े बर्तन वर्तन गंदे थे, डिश वॉशर में लगा दिए है ना, तो वो सब चल रहा था। फिर मैंने रखा, चाय रख देता हूँ साइड में, और एक मैं बबल एंड स्क्वीक का बर्गर बना लेता हूँ, तो वही कर रहा था मैं। दूध ही नहीं है, तो दूध लेने जा रहे हैं हम। और मैंने जैसे फिजी के अंदर अपनी पैर की उंगली छील दी थी ना, उंगली तो नहीं छीली, नाखून छील दिया था कति तेज। तो भाई नाखून से स्किन भी छील गई थी, अब चीची वाली ऐसे गंदा सा लगता है ना वो, तब तो बड़ा मजा आ रहा होता है नाखून छीलने में ऐसे ऐसे करके, तो वो कर दिया था मैंने, तो वो आज दर्द हो रहा है। जब फिजी गए थे तो भाई मेरे को तो पट्टी वट्टी पहननी पड़ी थी बहुत, तब तो बहुत तगड़ा पेन था, आज फिर भी इतना नहीं है। छोड़ो क्या ही करूँ, दिखाऊँ, बट लंगड़ा के चल रहा हूँ मैं। और इसकी सर्विस भी ड्यू है भाई, बहुत बुक करानी है, आलस आता है मेरे को, तो वो बुक करानी है। और आज क्या काम है, आज मेरी टीचर के साथ मीटिंग है भाई, जो हमने मूवी बनाई है रफ कट, वो उसको दिखाना है भाई को, और वो फिर हमको हमारे प्रोफेसर वो देंगे, क्या बोलते हैं, फीडबैक देंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर साउंड होगी सारी, ठीक है, डबिंग होगी मूवी के अंदर। ये मेरा डैश कैम बोलता है, डैश कैम नहीं, डैश कैम 24/7 है भाई। कभी किसी सब्सक्राइबर ने अटैक कर दिया ना हमको, किया हुआ है भाई, पता है किसी सब्सक्राइबर ने ना साइड से छील रखी है, हल्की सी दिखाऊंगा, अभी बाहर जा रहे हैं ना, साइड से ना स्क्रैच मार रखे हैं दो, कभी मैंने शेयर नहीं करे व्लॉग में, मैं क्यों खाम का है ना मेरी। तभी मैं गाड़ी भाई बेसमेंट में खड़ी करता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया काफी ज्यादा पॉपुलर है हॉथोन का, और हम इतने खैर फेमस भी नहीं है, ठीक है, 4 लाख ही तो है ना, 4.25 लाख ही है, 5 लाख खुद करवा दो, नीचे सब्सक्राइब बटन है, इससे याद आया मेरे को। तो हाँ किसी ने ना साइड से गाड़ी छील रखी है भाई, बाहर निकल के दिखाता हूँ तुमको। और फिर भाई बुरा लगता है यार ऐसे, है ना, वो उसकी रिपेयर कॉस्ट ही 200 होती है, और भाई आगे पीछे दोनों के डैश कैम है मेरे पास। मैं बड़ा लीनियंट से था, मैंने बहुत बात देखी, अगर भाई कोई ऐसा हेटर है ना जो ऐसे करके जा रहा, भाई आगे पीछे की फुटेज है, ठीक है, और तुमको बता दूं साइड में भी है, तो पूरा फुल कवरेज है 360 डिग्री का। साइड में वैसे नहीं है, बट ठीक है, आसपास के यहाँ पे फुटेज, यहाँ पे कहीं पे भी गाड़ी खड़ी होती है ना, हर जगह कैमराज होते हैं, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, हर जगह सीसीटीवी होती है, कोई वारदात होती है तो भाई पकड़े जाओगे भाई, यहाँ यार ये सारी हरकतें नहीं भाई कहीं पे भी, ठीक है। इंडिया में भी मैंने देखा है काफी सारी यूट्यूबर होगी, गाड़ी वाड़ी छील देंगे, फोड़ देंगे शीशे। भाई अपना काम करो ना तुम, है ना, पहले कमेंट सबसे तुम्हारी फिंगरिंग दर्द हो जाती है कमेंट कर करके, है ना, कि हेट कमेंट करें ये वो, आधे कमेंट तो यूट्यूब खुद ही उड़ा देता है। उसके बाद जो इनको लगता है कि फिजिकल एक्ट करना पड़ेगा, अब तो हम इनकी गाड़ी जाकर उड़ाएंगे, इनको बड़ा दुख होएगा भाई, आज की डेट में हर चीज का इंश्योरेंस है, ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे तो स्पेशली इंडिया में भी हर जगह कैमरेज है, पता था हर जगह लग जाता है, बट भाई थोड़ा हेट कम लव ज्यादा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, दूध लेने जा रहा था मैं, मैंने कहा बात कर लेता हूँ, अभी रुक के दिखाता हूँ गाड़ी का कहाँ लगी हुई है। मेलबर्न में गर्मियाँ शुरू हो गई, इतनी तेज मुंह पे धूप आ रखी है, ठीक है, मतलब मेरे मुंह पे नहीं, हर जगह। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे मारा हुआ है, रुक जाओ। अभी गाड़ी गंदी है थोड़ी सी, बहुत पहले की बात है, मैंने कभी शेयर ही नहीं करी। हाँ ये रहा, ये देखो, ये मैंने मिट्टी हटा दी, अब ये देखो, ये किसी ने खुरेद रखा भाई यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ना, ये ऐसे किसी ने जबरदस्ती किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक और भाई लाइट कलर दिख जाता है अलग सा ही, एक और यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये देखो, ये मिट्टी नहीं है, ये मैंने हटा दिया, किसी ने खुरेद रखा है यहाँ पे भी, ये हट ही नहीं रहा, देखो हट रहा है ना, खुरेद रखा है किसी ने। तो कोई भाई साहब आया, उसने वहाँ पे भी स्क्रैच किया, यहाँ पे भी, ठीक है, उससे ज्यादा उससे हुआ नहीं, और भाई कर दिया फिर तो भाई पोल्स आएगी, पोल्स अभी पार्क कर दिया, पार्किंग भी पे करनी है, यहाँ पे पेड पार्किंग है, तो चलते हैं फिर।
लड़की देख रही तब से क्या कर रहा हूँ मैं। ये पार्किंग स्टेशन यहाँ लगा हुआ है बट मैं फोन से ही कर दूंगा ऑनलाइन। और ये चला नहीं जा रहा लंगड़े लाल से। कुलजा सिंह सिंह भाई से लग रहे हैं। ये क्या है, ऑरेंज है, मैंडरीन है, पता नहीं लगता भाई फर्क भी मेरे को, बस ऑरेंज और कीनू पता है। हाँ इंट्रो तो मैंने किया ही नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ कैन चैनल तो भाई अभी बस दूध लेने आया और ये सारे प्राइजेस देख लो ठीक है। मैं ऐसी वीडियो खैर अभी यार चलो अलग से बना देंगे छोड़ो। बट ब्रेड ब्रेड सुबह का टाइम है, बिक गई सारी है, लगाई नहीं इन्होंने भाई। साइड लगी हुई है सारी ब्रेड। ये रहा दूध अपने को चाहिए 3 लीटर वाला। ये रहा एक्सपायरी का बस 16 तारीख ठीक है भाई। 18 वाले भी है इनके पास। 19 तारीख वाला पीछे रखा वो चाहिए मेरे को। पीछे से लेंगे हम, पीछे तो देखो भाई यहाँ पे ओरियो के बच्चे भी मिलते हैं। नॉर्मल ओरियो भी है, उसके बच्चे भी मिलते हैं इधर। तो मैंने ओरियो नहीं लिया, मैंने एक ले लिया, बढ़िया लगता है मेरे को ये। मस्त जिम में जा रहे हैं, डाइट पूरी खींच के ले रहे हैं, सारी कैलोरी दबा के। ये भाई ठेका है 10 बजे खुलेगा। तुषार भाई आपको क्या बता, आप सुबह सुबह ठेके के बाहर जाके खड़े हो जाते हो। मैं नहीं भाई, मैं उबर करता था ना पहले, तब डिलीवरी भी आती थी तो पता है मेरे को। और भाई मैंने एक बार पापा के ऑफिस के बाहर देखा था कि भाई एक भाई 22 पता नहीं इंडिया में कितने बजे खुलता है, पौवा नहीं होता देसी वो, लेक उस ठेके खुलने का बंदा वेट कर रहा है। जब हम जाम में खड़े थे भाई, जैसे ही ठेका खुला भाई ने भाई तभी वहाँ से वो लिया पौवा पिया। पापा बोलते अभी सीधा है ना यहाँ से काम पे निकलेगा। खैर पापा के ऑफिस में नहीं होता ये सब, बट कहीं और छोड़ो क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी भी दुनिया है भाई, सुबह सुबह उठते ही भाई मत करो यार, शाम को पी लिया करो, रात को सुबह सुबह भाई यार अच्छा सा नहीं लगता। चाय पियो मोच लो और मेरी आँख फिर बंद हो रही होगी, चलो घर ही चलते हैं। तुषार भाई बहुत बकवास करते हो सुबह सुबह भाई, देख लो सब 8 हो गए, जिनको नहीं बिलीव हो रहा। अब बहुत धूप है, धीरे धीरे कपड़े उतरने वाला मौसम है, नंगे घूमेंगे अब। फिर से तो लाया नहीं गया दूध, मैं ही ले आया। देख ये ले, ऐसे लग रही है ना साफ किचन। ये देखो अब, वाह वेरी नाइस, साफ है भाई वैसे मोस्टली। तो ये बर्तन वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, ये सारा गंदा हो जाएगा तो बना देंगे। और मैंने यहाँ टिक्की डाल दी थी एयर फ्रायर के अंदर, ये आ गई बाहर, ये खाएंगे। भाई को भी खाना दे दिया, इसने भी खा लिया। पिद्दू इसको देखना, घूमी घूमी चले, घूमी घूमी चले भाई। मेरे को लग रहा था मैंने अदरक ज्यादा डाल दी, पर क्या खुशबू आ रही है ऑर्गेजमिक, वाह। तो भाई चाय गिर गई, इसको इग्नोर करो। मैंने अपने बर्गर में डाली है ये वाली सॉस, हॉट चिली गार्लिक। और दूसरी साइड हमने डाल दी भाई ये बॉम्बे सैंडविच ब्रेड, बढ़िया लगती है खाने में, वेरी नाइस। ये भाई मैं नोबू पूरा नोबूड़ा। तुषार भाई चाय में ये वॉर्म या मैगी जैसा क्या आ गया? तो भाई कल की हटा पूरी साफ कर देंगे चकाचक अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कल भाई इंस्पेक्शन है तो मेरी ड्यूटी है भाई ये सारा एरिया साफ करने की, वाली की बोली है दोनों की रूम्स है। तो भाई बढ़िया ऐसे ड्यूटी बांट लो, मस्त काम हो जाता है। तो हाँ बस ये साफ कर देंगे अभी, साफ नहीं खाना है मतलब पेट में साफ हो जाएगा। और ये बन चुका है भाई हमारा, प्रेजेंटेशन मेरे से नहीं होती ठीक है, बाढ़ में जाए, बाकी तो बना लिया हमने, ठीक लग रहा है, खा लेते हैं इसको। चाय भी और भाई के लिए भी थोड़े से खीरे काट दिए। नहीं मम्मी की टॉप पहन के कैसे मस्ती कर रहा, मम्मी ना पिटाई कर देगी तेरी, पिटाई हो जाएगी तेरी। भाई अभी देख लो बाहर कैसा मौसम हो रहा है, धूप धूप सी आ रही है ठीक है। और अगर हम लोग वेदर वाली ऐप चेक करें तो 21 डिग्रीज हो रहा है, वार्निंग अंटिल 12 AM रात तक, मतलब आज रात तक नहीं सैटरडे तक। और भाई सीधा आज देखो कितना टेम्परेचर, अभी 22, कल देख लो कितना है 12 14 14 16, और भाई फिर 25 अगले सैटरडे को। देख रहे हो कैसे ज्यादा वेदर डिफरेंसेस है मेलबर्न के अंदर। और अभी कड़कती धूप थी ठीक है सुबह से, अब पूरा दिन विंडी है और शाम को भाई बारिश होनी है। सुबह 21 हो गया, ये वेलकम टू मेलबर्न हो गया मतलब। देख ले वानी इसको क्या करता है घर पे। मम्मी की याद आ रही तेरे को, मम्मी की याद आ रही। तो भाई जमकर 2-3 आवर्स आपको लग रहा मैं सो गया होगा है ना, 5 बजे का उठ के थक तो गया होगा, अभी तक नींद आ गई होगी। नहीं भाई नहीं सोया मैं, 2 बजे अभी ठीक है। एडिटिंग कर रहा था, दिखा देता हूँ, ये देखो ये चल रही मेरी एडिटिंग। और यहाँ पे भाई सो रहा है ये ठीक है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है। और मेरे को ना आप लोगों को मूवी दिखानी है, पूरी नहीं दिखाऊंगा थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा ठीक है, रुक जाओ। हाँ मूवी का नाम है हार्ट ब्रेक हाईवे, और एक मिनट रुको कट करके दिखाता हूँ जो मेरे को सीन दिखाना ये ठीक है। इतना ही मूवी की भाई एडिटिंग अभी, खैर रफ कट आया, एडिटिंग अभी चलेगी और बहुत तो नहीं, कम से कम 2-3 वीक और लगेंगे मूवी आ जाएगी ठीक है। तो दादा बना के रखो ठीक है, एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो ताकि लोगों को पता लगता रहे। कुछ अलग करने वाला हूँ मैं इस बारी। और अभी का क्या सीन है, अभी बजे हैं अभी कितने बजे हैं, 2:11। अरे मैंने स्माइल तो दिखाई नहीं, रुको आपको अपनी। अरे अरे लड़का कितना खुश है ये तो देखो, वेरी नाइस। तो इसका भी मैंने बिहाइंड द सीन मैंने शूट किया था, चलो छोड़ो बाद में बताऊंगा उसकी स्टोरी।
हाँ अभी बस मैं कुछ खाना खा के निकलता हूँ, वानी को पिक करते हैं फिर हम लोग घर आते हैं। इसको भी ले जाएंगे, इसको अकेला नहीं छोड़ते ज़्यादा टाइम। ये भाई देखो यहाँ का स्कूल है, कितना सुंदर लग रहा है भाई। क्या भाई आप लोगों को देख के ऐसे स्कूल को अपने स्कूल की याद आती है? ऐसे काफी लोग बोलते हैं भाई, मैं पहले बताता हूँ, हाँ आती है सबको ठीक है, बट मेरे को नहीं आती भाई इतनी। और मेरे को ना एक स्कूल से दिक्कत रही है, बाकी सारी चीजें सही है, बढ़िया हम लोगों को पढ़ाई मिली है, बढ़िया हम लोग पढ़े हैं, इंग्लिश भी टूटी फूटी सीख ली थी, इतनी अच्छी इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, यहाँ पे आके हो गई है ठीक ठाक अपनी, थोड़ा सा एक्सेंट भी आ गया है थोड़ा हल्का सा बिल्कुल है ना। हाँ एक शिकायत थी स्कूल से, स्कूल में ना पैसा कमाना नहीं सिखाया। अब आप बोलोगे तुषार भाई ये तो आप बीबीए वाले हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना, डिग्री की वैल्यू नहीं होती क्या? ऐसा क्या ये क्या गलत नहीं बोल रहे? तो भाई मैंने खुद बीबीए करी, मेरे को नौकरी मिल रही थी 20,000 रुपए की ठीक है, इंडिया के अंदर कितनी ग्रो हो जाती एक साल के अंदर, वो 30 हो जाती, दूसरे साल में 40, तीसरे में 50, 10 साल लगते लाख सवा लाख डेढ़ लाख करने में बीबीए, और इतनी दुनिया कर रही है कि वो भी वैल्यू गिर जाती है आगे जाके इन्फ्लेशन के हिसाब से ठीक है। और जॉब्स इतनी मतलब चलो वो तो बीबीए की बात हो गई, बीटेक का क्या सीन है? तो भाई बीटेक के बाद भी आप लोगों को पता ही है भाई कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है ठीक है, तो जॉब्स वगैरह मतलब आप मतलब समझ जाओ ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ठीक है। मेरा पूरा पॉइंट ये है कि स्कूल ने सही से पैसा कमाना नहीं सिखाया, आइडियाज नहीं बताया, हम लोगों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, अच्छी बात है भाई ठीक है, जो लोग बने रिस्पेक्ट है, हमारे पापा खुद भाई इंजीनियर है ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा भाई खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, समझ रहे हो वो चीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज, असली जिंदगी में क्या होता है ना, मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी किस चीज को बोली जाती है। यहाँ पर तो भाई बहुत अप्रिशिएट करते हैं अगर आप लोग बोल दो ना कि भाई मैं मेंटली स्ट्रेस्ड हूँ लिटरली ठीक है, और मेरे से असाइनमेंट नहीं हुआ, मेरे से एग्जाम नहीं दिया जाएगा, वो कहेंगे कोई बात नहीं है ना, तू अपना लीव ले, बड़े वाले एग्जाम हुए आखिरी फाइनल हुए वो मेरे को नहीं पता, बट वैसे अगर आप लोगों को कोई असाइनमेंट सबमिट करने में डिले हो रहा है आप लोग बोल सकते हो कि भाई मैं मेंटली स्ट्रेस्ड हूँ, मेंटली मेरे को स्टेबल नहीं हूँ, सही नहीं हूँ, तो वो आप चीज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इंडिया में हमारे टाइम पे तो भाई थप्पड़ मार दिया करते थे, अब तो खैर इंडिया में भी स्कूल्स में थप्पड़ वगैरह अलाउड नहीं होता, पहले के टाइम पे था भाई जब हम बचपन की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो स्कूल्स में ज्यादा करके पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, बेसिक एक चीज बनी होती है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, मेरे को करेक्ट भी कर सकते हो इफ आई एम रॉन्ग। और भाई इंजीनियर्स भी तो बनते हैं, IIM में जाओ, दिल्ली IIT में जाओ, तो भाई कंपटीशन कितना हाई है भाई, मैं तो नहीं हूँ भाई वो स्टूडेंट ठीक है, जो बिल्कुल ही ज्यादा वो कर लूँ, उस तरीके का स्टूडेंट हूँ ही नहीं कि भाई मैं खतरनाक सी पढ़ाई कर लूंगा है ना, बड़ा हाई कंपटीशन रहता है। और भाई एक चीज और होती है कि अगर वो पेपर क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, तो भाई ये चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो स्कूल की लाइफ ना कुछ नहीं है, आप रियलाइज होती है ये चीज ठीक है, अगर आप लोग भी छोटे हो स्कूल में हो, ये नहीं कि तुषार भाई ने कह दिया नहीं पढ़ो ठीक है, ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ो, पढ़ो अपना दिल लगा के, बट अगर तुम किसी चीज को अगर कभी अचीव नहीं कर पाते ना गलती से, तो उसको लेके स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसको लेके कुछ गलत कदम मत उठा लेना जो आपके पेरेंट्स को रिग्रेट करना, आपको रिग्रेट करना पड़े, तो अपना आपके जो भी ड्रीम्स है भाई सब अचीव हो जाते हैं ठीक है, मेहनत लगती है बस, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बट मेरे को स्कूल से यही शिकायत थी कि भाई पैसा कमाना नहीं सिखाया, पैसा कमाना सिखाया तो बीबीए के बाद 20,000 की नौकरी लग रही है। आप लोग बोलोगे क्या एंड्रू टेट बन रहा है ये वो, बट भाई जो सत्य है वो सत्य है, स्कूल के बाद ही असली हम लोगों को घर वाले बोलते थे 10वीं तक पढ़ाई कर ले बढ़िया हो जाएगा आगे है, फिर 12वीं कर ली वो नहीं 10वीं कर ली फिर बोलते थे 12वीं में बढ़िया पढ़ ले बढ़िया हो जाएगा आगे सिस्टम तेरा ठीक है, उसके बाद बोलते थे कि बैचलर्स कर ले बढ़िया सीन हो जाएगा, आज भाई मास्टर्स खत्म हो नहीं रही, चलो होने वाली है, तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में, बिल्कुल ही लल्लू है बेरोजगार कहीं गया हम, अभी बस मानी को पिक करने जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता बचा है फिर घर निकलेंगे, और केंदो भाई पीछे बैठा है अपनी कार सीट में और सो रहा है वो, दिख रहा ये रहा इसका मुंह, ये लेटा हुआ है सो जाता है गाड़ी में मस्त। और भाई मैं किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा, कहीं लेके बैठो तो बाहर चला गया, इंडिया के सिस्टम को ब्लेम कर रहा, यहाँ पे भी यही है भाई, यहाँ पे कौन सा स्कूल में पढ़ा पैसा कमाना सिखाते हैं, यहाँ तो सेंट्रल लिंक खुद पे करती है सरकार को है, सरकार है ना जॉब सीकर वगैरह पेमेंट्स मिलती है यहाँ पे तो लोगों को, वो चीज़ तो दिल पे मत ले लेना किसी भी एंगल में, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती भाई कि हाउ यू मेक मनी, लोगों को खुद ही जिंदगी से सीखना पड़ता है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट योर एग्जॉस्ट मेक नॉइस ऑफ सक्सेस, सक्सेस नहीं हुई पर एग्जॉस्ट है हमारे पास। हाँ 100 का zone है भाई, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा मैं, नहीं मानोगे दिखाता हूँ, अरे कहाँ लिखा है 100 का zone, पीछे लिखा था चला गया, कहीं नहीं लिखा भाई 100 का zone, तुषार भाई झूठ बोल रहे हो आप, आगे कैमरा लग रहा है तो मेरे को सारा कुछ पता है, ये ना लिखा है कोने में देखना राइट में 100 का zone, वेरी नाइस।
देखो भाई, भाई ने लिखवा रखा है थिंक ट्वाइस बिफोर यू ड्रिंक देन ड्राइव, तीसरी बार सोचना है नहीं सोचना। फरारी वेरी नाइस। फाइनली वी हैव फन इन द व्लॉग। हाउ वाज योर डे मेट? गुड। तेज बोलो। गुड। क्या किया? कोड ब्लैक। कोड ब्लैक ये रिवील नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? इसके अलग से हम लोग एक वीडियो बना देंगे। ये इसमें मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर रही। ये मैं नॉर्मल कोड ब्लैक की डेफिनेशन बता रही हूँ जो क्लिनिकल में होता है। कोड ब्लैक मतलब कि किसी पेशेंट के पास आर्म्ड था वो, मतलब उसके पास एक वेपन था तो उससे सबकी सेफ्टी रिस्क पे, और वो कुछ कर रहा था उससे। तो मेरे दाढ़ी का बाल मुंह में आ गया। तो उसका मतलब यही होता है कि मेरा एक पेशेंट था तो उसने अपने किसी वेपन से कुछ किया। तेरे को मारा? तोड़ दूंगा, ऐसे तैसे कर दूंगा, सिस्टम पाड़ देंगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। को इंजेक्शन देना होता है कि जब बेहोश करने के लिए, क्योंकि वो पागल हो रखा होता है। हाँ। तो पर वो नहीं मानता तो कुछ ना कुछ मारने लग जाता है अपना सर दीवार। पुलिस आती है। हाँ। और कोर्ट ग्रे में सिर्फ सिक्योरिटी आती है। तो पहले हमने कोर्ट ग्रे किया, किसी से नहीं संभली वो, फिर ब्लैक किया, फिर पुलिस आ गई। पूरा डिटेल में कभी बात करेंगे, बट नर्स की जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होती है। हाई पेइंग होती है पर स्ट्रेसफुल होती है बहुत ज्यादा। चलो हम भी चले वेकेशन पे, स्नो पे। नहीं, नो मनी गाइस, नो मनी मेट, नो मनी नो हनी। तो भाई हम लोग सोच रहे थे, मैंने भी वानी को बोला था एक सरप्राइज देता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, बताया नहीं। तो भाई अभी मैं और वानी सोच रहे थे कि हम ना कुछ इंटरेस्टिंग सा खाते हैं, तो फिर हम सुशी खा रहे हैं। नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बट जो उसको पसंद है। अब आप लोगों की, अब आप सोचोगे कि मैं बोलूंगा जो वो मेरे को पसंद होगा। नहीं तो खा लूंगा मैं, ऑप्शन नहीं है। मैं भी इसकी पसंद का खाती हूँ क्योंकि इसकी आदत है। मेरे पसंद है कढ़ाई चिकन। ये भी है भाई, ये मिल रहा है। सोया सॉस है इसके अंदर। भाई सुशी बढ़िया स्नैक है, $4 की आया थी, $3-4 की, हेल्दी है। आपको पता है मैं कितना हेल्दी, आपको पता है मैं कितना हेल्दी खाता हूँ, है ना? सबको पता है सबको। अभी मैं सोच रहा था मैगी खा लेता हूँ जाके, फिर मैं कहा जिम नहीं गया तो ऐसे नहीं कि अगर मैंने अभी सुशी नहीं खाई तो मैं घर जाती मैगी बनाऊंगी। और ये मैं सोचो कि मेरे घर पर खाना नहीं होता, खाना बना होता है, लेकिन तब भी आदत होगी मैगी की। तो भाई सोया सॉस देखो कैसे देते हैं ये लोग। तू भी खाएगा? इसको खुशबू तो आ रही है, कह रहा है कुछ तो लेके आए हो। भाई ये देखो, ये इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी। मैंने ली है सामन वाली और मेरी है सामन चकन। है सामन, सामन होता सलमान होता है, सालमन सलमान सैमन जो बोलो भाई, हमारा आयल एक्सपायर हो चुका है। जो छोटे आते हैं उसे बताओ, सामन बोलते हैं सामन। Can I have fresh salmon avocado? तो गाइज ये देखो, मेरी गाड़ी का फैन ऑन है, इतनी तेज आवाज आ रही है बंद होने के बाद भी। गाइज देख लो गाइज, अब मैं क्या खाऊंगा नहीं ये बता। भिंडे है, भिंडी, भिंडी बाढ़ में गई भाई सुशी, मैं भिंडी खाऊंगा। मेरी सुशी कैसे खा गई तू यार? मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी सुशी के टेस्ट से, मजा आ जाता है, तो फिर मेरे को पता नहीं चला कि मैंने दूसरे भी आधी खा के आया। मैं इसको बोलूं तो तेरी थी, तेरे को खानी थी तो मैं एक और एक्स्ट्रा ले लेता, पर मेरे को खानी नहीं थी। बात तो वही है ना, वो खा ली मैंने। इस चल ठीक है, भिंडी खाएंगे हम। कहां भिंडी? अरबी भी बढ़िया हो देखो। बहुत अरब भिंडी कहां है? कहां की भिंडी? ये रही, रात को बनाई थी भाई, वेरी नाइस। अरबी भी खा ले, अरबी तो खत्म खराब हो गई। Let's do.